please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Sambit, तमाशा बना रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, मैं आपकी पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। उसका उत्तर तीन इल्जाम देता हूं। जी मैं एक एक करके उत्तर देता हूं। नंबर एक, आपने खुद देखा होगा जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपोज नहीं किया, वहां अनअपोज्ड पास हो। सुष्मिता देव जो पॉइंट भूल गया 22 मिनट की, सर मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मैं कंप्लीट कर लूं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा एमपी हैं, मैं कंप्लीट कर लूं। उनके सर मैं आपके बीच में बिल्कुल याद दिला दूं, मैं आपको 22 मिनट की YouTube पे देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था। मैं देख लूंगा और आप रुक जाइए। अभी लोकसभा में बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के 22 मिनट की सुष्मिता देव जी की स्पीच आप सुन लेना, फिर ये बात कहना। सबने दिया मगर आप देख लीजिए वोटिंग कहां की है, आप भी देखिए। आप मिसगाइड मत करिए संबित पात्र। सुमित जी मैं बीच में बिल्कुल चिल्लाया नहीं था, मुझे लगता है एक ही बात को तीन बार बोल चुके, मैंने आपको टोका नहीं। 22 मिनट। सुमित जी मुझे लगता है बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं शाहबानों से शायराबानों तक का सफर हिंदुस्तान के राजनीति का एक बहुत बड़ा सफर रहा है। याद करिए शाहबानो, 60 साल की ऊपर की वो महिला चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी राजीव गांधी कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं मगर मौलानाओं के साथ खड़े हैं। और याद करिए आज शायरा बानो खड़ी है तो बगल में प्रधानमंत्री खड़े हैं कि नहीं, शायरा बानो कभी भी चौराहे पर अकेली देश में खड़ी ऐसी नहीं है हो सकती। जो इंसाफ मांग सर, रही आप, है आ, सर आप प्लीज मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था। जो सेंगर जी हैं आप क्या ये टॉपिक है, आपके विधायक क्या टॉपिक है, ये टॉपिक सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है वो भी। अरे राहुल गांधी नहीं, आप बताइए राहुल गांधी की आईटी सेल में रेप मांग रही है, अफराजन की मां बहन सेल में रेप मांग रही है, आपकी आईटी सेल में रेप हुआ है, राहुल गांधी जी के नाम के नीचे रेप हुआ है, इन सबको भी इंसाफ दिए। मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं सुमित जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, बैठो। एक्यूज्ड हैं उनको ट्राई कलर में ये लिंचिंग का डिबेट है लपेट के लाते हैं। सुमित जी ये लिंचिंग का डिबेट है। जयंत सिन्हा जी कन्विक्ट लिंचिंग में झारखंड में जो 8 लोगों को सजा याफ्ता है, जयंत सिन्हा पे डिबेट है। बेल पे छूटते हैं तो उन्हें मालाएं पहनाते हैं। सुलेमान उसकी बात की बात भी बता दीजिए। गिरिराज सिंह फिर उन्हें माफी मांग जाते हैं, फिर उन्हें राहुल गांधी को इंसाफ चाहिए, फिर उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी डिबेट की, ये सब बातें बता दीजिए। नहीं डिबेट सुनिए ना, नदीमुद्दीन साहब मैं आ रहा हूँ, नदीमुद्दीन साहब मैं आ रहा हूँ, मुस्कान भी बोलना चाह रही है, पात्रा जी इन्हें भी इंसाफ करवाइए, इनकी माँ और बहनों और बीवियों को इंसाफ दिलवाइए। सुलेमान आपने बहुत वाजिब बातें की, इंसाफ दिलाइए इंसाफ दिलाइए इंसाफ दिलाइए, अच्छा लगता है विपक्ष जब सरकार आम जनता के साथ खड़ा होता है, लेकिन अभी जिनसे सवाल पूछना है अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम कैसे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी संबित पात्रा की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में भी है यूपी में भी है, एफआईआर इनकी है सुमित भाई से। इनकी तो आप बोलने देंगे तो पूछूंगा ना, बताएं जवाब। लगातार आप बोल रहे हैं 498 AIPC और 316 IPC क्यों नहीं करी एफआईआर। संबित टॉपिक पे बोलिए सुमित जी, इस प्रकार तो डिबेट नहीं हो पाएगा अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो। सुमित जी आप देख रहे हैं सुलेमान भाई यहाँ ठीक मौलाना की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस प्रकार कोई मौलाना बिहेव करता है, आप लोग जब हारते हैं भटका देना, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप बिल्कुल सही बोल रहा है, किसी को मुफ्ती, आप ट्रिपल तलाक के विषय में डिबेट नहीं करके लिंच के ऊपर आप डिबेट करना चाहते हैं। मैं मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं, यहाँ किसान बिल्कुल चिल्ला के डिबेट नहीं कर रहा था, जम्मू कश्मीर बड़े शांति से मैं डिबेट कर रहा था, यहाँ निजा बहन भी बैठी है 15 लाख और बाकी लोग नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, ये सब ये 15 लाख 2 करोड़ की डिबेट हो रही है, 2 करोड़ नौजवानों को दिया, किसको डिबेट में लाए हैं, महिलाओं के डिबेट को लाए हैं। सुनिए ना, यहाँ जो 5 मेहमान बैठे हुए हैं वो विषय बताकर बुलाए गए हैं, किसी को ये नहीं कहा गया कि हम 15 लाख पे चर्चा करने वाले हैं या हम 2 करोड़ पे चर्चा करने वाले हैं।